राम राम दत्ता। राम राम। एक तो पनवा लगाए दो। राम भरोसे। आवत है। तू दूध बेचने का धंधा करता है या तमाशा? आहे? इतने दिन हो गए, अपने बिल के पैसे लेने क्यों नहीं आए? अरे रहे दो बाबूजी, हम 20 बारी बिल का पैसा पूछा रहा। किससे? मालकिन से। अरे उल्लू, मालकिन होती है घर की दीवारों की मालकिन, पैसे की नहीं। तेरे घर रुपये का लेन देन तेरी जोरू करती है क्या? नहीं जी, हम हे राम, ये छोटी सी बात हमारी समझ में नहीं आई। जी मैं आवत है बाबू जी, चप्पल से अपना सर पीट ले। रहने दे, इसकी जरूरत है। ये ले। बाबू जी, वो हर बिल तो 45 रुपये का रहा। हमारे पास सब बड़े बड़े नोट हैं, चिल्लर नहीं है। हम बबुआ के हाथ 5 रुपया घर से भिजवा देते। नहीं ठीक है, रख ले इसे, मैं एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा बाबू, और सुन, तेरे बबुआ का क्या हुआ? मैट्रिक पास कर लिया ना उसने? बाबूजी, बबुआ का मैट्रिक पास कराए थे तो हम तो मुश्किल में फंस गए। उनका किसी कॉलेज में दाखिला ही नहीं मिला था। क्यों? अब 1000 रुपया चंदा मांगते हैं। 1000 रुपया? हाँ बाबूजी। गरीब आदमी 1000 रुपया लाएगा कहाँ से? वही तो ना कहते हैं बाबूजी, कोई 200-400 रुपये की बात हो तो आदमी कर भी सकते। एक काम कर। बोलो बाबूजी। अपनी चप्पल उतार के मार अपने सर पे। काहे बाबूजी? अरे तू मेरे पास चला आता, फिनिश फिनिश, याना मैं उसे यूं दाखला दिला देता बिना पैसे। बाबूजी हम तो हर घोट लागत थे, हमारी ये मुश्किल आसान कर दो। यही तो मुश्किल। दाखले की आखिरी तारीख गुजर चुकी है सर, इस बात के लिए तो मैं प्रिंसिपल साहब को किसी तरह मना लूंगा। जरूरत पड़ी तो तेरी खातिर मैं उनके हाथ भी जोड़ूंगा, लेकिन उनके अगल बगल में ये जो छोटे मोटे क्लर्क्स और प्यून रहते हैं, उनका मुंह कैसे बंद किया जाए? सिर्फ 300 रुपये लगेंगे। सिर्फ 300? अरे बाबूजी, 200 रुपया तो हम अभी हाजिर किए देते, और 100 रुपया कल सवेरे दूध के साथ पहुंचा देंगे। हाँ। और बाबूजी, कल से तुमके बगैर पानी का दूध देंगे। हमरे नहीं यहाँ पार लगाए दो बाबूजी। ठीक है, तो अब 100 रुपये मेरे तुझ पे बाकी रहे। जय राम जी की। जय राम जी। Finish!